मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेटा, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, दैट इज आर्ट एंड क्राफ्ट। इन दिस वी हैव टू रीअरेंज द गिवन लेटर्स टू नेम द आर्ट और द आर्ट ऑब्जेक्ट। इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंट टाइप के आर्ट और आर्ट ऑब्जेक्ट्स के नेम के लेटर्स दिए गए हैं, तो हमें उन्हें रीअरेंज करके उनके नेम्स लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या है, अ मेथड ऑफ डाइंग इन विच सम पार्ट ऑफ द क्लोथ टू बी डाइड आर कोटेड विद वैक्स। इसमें क्या किया जाता है कि क्लोथ के कुछ पार्ट को वैक्स के साथ डाई किया जाता है, एंड इट इज़ नोन एज बाटिक, BATIK, बाटिक। नेक्स्ट इज अ काइंड ऑफ बेक्ड क्ले यूज्ड इन मेकिंग पॉट्स, फिगराइंस, ब्रिक्स, डेकोरेटिव टाइल्स एट्सेट्रा। ये क्या है, बेक्ड क्ले की एक टाइप है जिसको हम यूज़ करते हैं पॉट्स बनाने के लिए, ब्रिक्स और डेकोरेटिव टाइल्स के लिए, एंड इट इज़ नोन एज टेरा कोटा, TERRACOTA, टेरा कोटा। सो राइट डाउन। थर्ड इज मेटल कास्टिंग यूजिंग अ मोल्ड ऑफ क्ले एंड वैक्स प्रैक्टिस्ड इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम्स। ये फॉर्म जो है इंडिया में पुराने समय से यूज़ हो रही है, एंड दिस फॉर्म इज नोन एज ढोकरा, DHOKRA, ढोकरा। सो राइट ढोकरा। नेक्स्ट इज कलर्ड ग्लास यूज्ड इन डेकोरेटिव विंडो पैंस, लैम्प शेड्स, पेंटिंग्स एट्सेट्रा, एंड इट इज़ नोन एज स्टेन्ड ग्लास। सो राइट डाउन स्टेन्ड, STAINED, stained glass. Fifth is the art of knotting threads in pattern to make decorative things. इसमें थ्रेड को गांठ लगा के उसके डिफरेंट टाइप के डेकोरेटिव पैटर्न बनाए जाते हैं, सो इट इज़ नोन एज मैक्रेमे, MACRAME, मैक्रेमे। सिक्स्थ इज द आर्ट ऑफ मेकिंग बास्केट्स, फर्नीचर एट्सेट्रा बाय वीविंग टुगेदर फाइबर्स सच एज ट्विग्स, रीड्स एंड बैम्बू स्ट्रिप्स। तो ये कौन सी आर्ट है जिसमें बैम्बू स्ट्रिप, बांस की लकड़ी, ट्विग्स और रीड को यूज़ करके बास्केट्स और फर्नीचर बनाए जाते हैं, इट इज़ नोन एज विकर वर्क। सो राइट डाउन विकर वर्क। सेवन्थ इज दिस टेरिकोटा आर्ट ऑब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ द लोगो ऑफ ऑल इंडियन गवर्नमेंट एम्पोरियम सेलिंग हैंडीक्राफ्ट, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल वेयर इट इज़ मेड, इट इज़ द बंकूरा हॉरस। राइट डाउन BANKURA, बंकूरा हॉरस। ये क्या है, टेरिकोटा ऑब्जेक्ट की एक फॉर्म है जिसको कि एम्पोरियम हैंडीक्राफ्ट के लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट इज दिस इज़ पॉसिबली द मोस्ट फेमस पेंटिंग इन द वर्ल्ड, इट वॉज पेंटेड बाय द इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो द विंसी, यू कैन सी इट एट द लूव्र, अ म्यूजियम इन पेरिस, दिस पेंटिंग इज कॉल्ड द मोनालिसा। सो राइट मोनालिसा, मोनालिसा क्या है, एक फेमस पेंटिंग है जो कि कहाँ पे है, पेरिस के म्यूजियम में, एंड द नेम ऑफ म्यूजियम इज लूव्र। थैंक यू स्टूडेंट्स।